फिलहाल एक साउंड इसका बनता है। नमस्कार बंधु अकल, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड हम तीनों मिलकर एक छोटा सा राइड पे जाएंगे। आज मैं आपको बताने वाला हूँ KTM ड्यूक स्कैपल का नाम मैंने फ्राइडे क्यों रखा है। ऑल राइट गाइस, इंस्टाग्राम पे मुझे बहुत सारे मैसेज आ रहे हैं भाई लोग का कि इस बाइक का नाम फ्राइडे क्यों है, इस बाइक का प्राइस कितना है एंड मैंने ये बाइक क्यों चूज़ किया है। मतलब ये तीनों सवाल मुझे रिपीट एंड रिपीट इंस्टाग्राम फेसबुक पे आ रहा है, इवन कॉमेंट सेक्शन पर भी आ रहा है। मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना लूँ, तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ इसका नाम मैंने फ्राइडे क्यों रखा है एंड हम लोग बाइक का नाम क्यों रखते हैं। हम बाइकर्स लोग का एक अलग सा फीलिंग होता है, हमारा जितना भी बाइक्स होता है, मतलब स्पेशली मेरा जितना भी बाइक्स था सबका नाम था। मेरा पहला बाइक का नाम था स्ट्राइकर पल्सर 180S। ए वाला फोटो आपको देखकर मालूम पड़ेगा, इसका नाम था स्ट्राइकर। एंड उसके बाद आया लिटिल मॉन्स्टर, वो RX 100। द लेजेंड बाइक का मैंने नाम रखा था लिटिल मॉन्स्टर। एंड उसके बाद आया ऑप्टिमस। ट्रांसफॉर्मर से मुझे वो नाम पसंद करके मैंने उधर से इंस्पायर होके ऑप्टिमस प्राइम से लेके मैं ऑप्टिमस रख दिया था। 200NS का बजाज पल्सर 200NS था मेरा, उसका नाम ऑप्टिमस रख दिया था मैंने। उसके बाद आया वेरोनिका गाइस। वेरोनिका क्यों रखा है, कोई लड़की का नाम नहीं है गाइस, ये लड़की को देखकर या फिर किसी का नाम नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे इसको इंक्लूड करना तो मैं भूल गया, ये है मेरा इम्पल्स एंड इसका नाम मैंने रखा था स्पाइडी। देखिए जिस तरह से KTM ड्यूक को स्कैपल बोलते हैं, KTM वालों ने बोला कि स्कैपल है बिकॉज इट इज़ शार्प एज स्कैपल। डॉक्टर वाला जो चलाते हैं उसको डॉक्टर बोलते हैं, तो ये वाला स्कैपल गाइस इट्स वेरी शार्प। ये इसमें मानता हुआ बाइक बहुत ही शार्प है, तो इसका नाम KTM से स्कैपल दिया हुआ है एंड मैंने रख दिया फ्राइडे। और मैं बता रहा था कि वेरोनिका, यस मेरा ड्यूक 390 का नाम है वेरोनिका। ए वाला सीन है कि मैं आयरन मैन का बहुत बड़ा फैन हूँ। एवेंजर एज ऑफ अल्ट्रॉन में फर्स्ट आता है वेरोनिका का, मतलब वेरोनिका पहली बार दिखाई देता है एज ए असिस्टेंट ऑफ टोनी स्टार्क। तो टोनी स्टार्क का मतलब जितना भी असिस्टेंट है बहुत पसंद है, जर्विस भी मुझे पसंद है, उससे इंस्पायर होकर मैंने नाम रख दिया था वेरोनिका मेरे ड्यूक 390 का। एंड गाइस टॉकिंग अबाउट दिस फ्राइडे, अभी तो आपको पता चल गया होगा अगर आप मार्वल का मूवी देखते हो या फिर आयरन मैन का फैन हो, डेफिनेटली आपको पता चल गया होगा कि मैंने फ्राइडे क्यों रखा हुआ है। यस कैसे, ये देखिए भाई औरूप भी आ रहे हैं हमारे साथ ज्वाइन कर रहे हैं, छोटा सा राइड। एंड इधर पे अभी थोड़ा थोड़ा बारिश हो रहा है धुबरी में। हाँ हम लोग सोचा इवनिंग राइड करेंगे छोटा सा, अभी तो लॉकडाउन शुरू होने वाला है, 2 घंटे में कर्फ्यू होगा। फ्राइडे के बारे में बोलूँ तो गाइस एंड गेम में जहाँ पे थैनोस आता है उधर पे आयरन मैन का मतलब टोनी स्टार्क का असिस्टेंट का नाम होता है फ्राइडे, तो उधर से इंस्पायर होके मैंने नाम रख दिया था फ्राइडे। यस गाइस यही सच है एंड ये कोई डे वाला डे सीन नहीं है जैसे सैटरडे मंडे ट्यूजडे वाला। भाई साहब बिना हेलमेट के चला रहे हैं, कोई बात नहीं भाई, आपका सुपरमैन जैसा पावर होगा, हमारा तो नहीं यार। यही था मेरा फ्राइडे का कहानी, मैंने फ्राइडे नाम क्यों रखा। ये बाइकों का एंड गाड़ियों का नामों वाला सिलसिला बाइकर्स को ही पता चलेगा, उसका फीलिंग्स एक बाइकर से समझ सकते हैं, क्योंकि हम लोग जो है ना बाइकर्स बाइक से अपने बाइक से बात करते हैं, वो हमारा सुनता है। सुनने में थोड़ा ऑकवर्ड जैसा फील हो रहा है आपको, लेकिन हाँ हम लोग मशीन से बात कर, वी आर द लवर्स ऑफ मशीन एंड हम सोचते हैं यही हमारा गर्लफ्रेंड वाइफ सब कुछ है, इसीलिए हम इनका नाम प्यार से रखते हैं। तो मुझे जो पसंद आया मैंने रखा, तो इधर से फ्राइडे का स्कैपल का थोड़ा सा पावर देखने की कोशिश करेंगे हम लोग। इस रोड पर ज़्यादा स्पीड नहीं कर सकते हम लोग क्योंकि बहुत सारे जानवर लोग भी रोड में रहते हैं। फ्राइडे वेरोनिका ग्रीन गोब्लिन एंड विक्टोरिया और बयान फोटो खींच रहा है, फोटो ले रहे हैं हम, तो चारों बाइक का नाम है, ये बाइकर्स वाला फीलिंग है। ऑल राइट गाइस, तो हम चार लोग एक छोटा सा राइड के लिए निकल आए हैं। इधर पे है बिहान और दीनानाथ एंड भाई जी, छोटा सा इवनिंग राइड। मैंने आपको बताया एक बाइकर और मोटरसाइकिल के बीच का जो रिलेशन है वो बताया, हम लोग बाइक से बहुत प्यार करते हैं इसलिए बाइक का नाम देते हैं। बहुत सारे बाइकर हैं अपने अपने बाइक को बहुत सारे नामों से बुलाते हैं, ये उनका प्यार है टूवर्ड्स हिज और हर मोटरसाइकिल। एंड गाइस नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका प्राइस क्या है, फ्राइडे का प्राइस क्या है, कितने में लिया मैंने ये बाइक और मैंने क्यों लिया, मतलब बहुत सारे बाइक थे उसके कंपेयर करके मैं बताऊंगा मैंने इस बाइक मेरा लिस्ट पे कैसे आया। फिलहाल एक साउंड इसका बनता है। बिहान बोल रहा था कि साउंड सुना दो अपने सब्सक्राइबर लोगों को, अपने भाई लोग को, तो आप सुनेंगे इसका एग्जॉस्ट का साउंड। चलो चलो
चैनल से जुड़ी रहिए एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। कमेंट में बताइए कैसा लगा वीडियो, और कुछ जानना है तो आप कमेंट में बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ डू राइड सेफ, वेयर हेलमेट व्हेन यू आर राइडिंग द बाइक। टेक